अगर आप खुद की एक कार बनाने जाएंगे तो दो पहियों के बीच में सबसे पहले एक्सल लगाएंगे। और एक कार को बनाने में इंजीनियरिंग इतिहास की यही थी सबसे पहली समस्या, क्योंकि एक व्हील के नीचे आया हुआ बम दूसरे व्हील को भी उछलने पर मजबूर करता था। अगर आप सोचें तो इस समस्या को एक्सल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके दूर किया जा सकता है, ताकि दोनों व्हील एक्सल से सेपरेट तरीके से अटैच किए जा सके। अब क्योंकि दोनों व्हील सेपरेट एक्सल पे हैं, तो वो एक दूसरे को बम्प ट्रांसफर नहीं करेंगे। पर अभी भी एक समस्या बाकी है। शुरुआती डिजाइन में स्टेयरिंग को टाई रोड की मदद से एक्सल से कनेक्ट किया जाता था, और क्योंकि स्टेयरिंग एक साइड में होता है तो एक साइड की टाई रोड दूसरी साइड से ज्यादा लंबी थी। इसे आप इस तरह से समझिए, अगर नदी में आप एक नाव को चप्पू से चला रहे हैं जिसका एक चप्पू दूसरे से ज्यादा बड़ा है, तो नाव को सीधा रखने के लिए आपको छोटे चप्पू से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? यही है आपके लिए आज का सवाल। चलाओ अपना इंजीनियरिंग दिमाग।